ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, हमारे बीमारी का क्या कारण है। मास्टर मशाय के पूछा था, एक कारण हम लोग देखे हैं कि औरों को सिखाना कैसे शारीरिक बीमारियों को सहज भाव से मुकाबला किया जाए, हाउ टू विथस्टैंड दी फिजिकल एलिमेंट्स विथ पॉइज ट्रैंक्विलिटी एंड जॉय, आनंद के साथ कैसे इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। और ये बात हम लोग देखे हैं कि कभी भी हमारे बीमारियों के बारे में किसी से चर्चा नहीं करना है। दिस शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड बोर्न इन माइंड, जितना हम हमारे बीमारी का बारे में चर्चा करेंगे उतना ही हमारे कष्ट बढ़ते जाएंगे। सो नेवर एवर डिस्कस एनीथिंग ऑफ द नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। जो हम देखते हैं संतों का जीवन में भी देखते हैं कि जब पूछा जाता है आप कैसे हैं, कि बहुत अच्छा हो, महापुरुष महाराज बेलूर मठ में है, उनका एस्मा था, होल नाइट नींद नहीं हुआ, परेशान है, सुबह में आके पूछ रहे हैं महाराज अब कैसे है, बोले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ, आई एम फाइन। तो आप बहुत आनंद में हैं लेकिन आपको तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है, शारीरिक रूप से ध्वस्त है, विध्वस्त हो गए, सारा रात नींद नहीं हुआ। लो तुम शरीर के बारे में पूछ रहे हो, हमारे सेवकों को पूछो, यू आस्क माई अटेंडेंट्स दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर, आई हैव नो नॉलेज, मैं तो बहुत आनंद में हूँ। हरि महाराज को भी दृष्टांत में दिया था, ऐसी सब संतों के बारे में ठाकुर जी की जो शिष्य वर्ग थे सब ऐसी बिहेव किया। तो ये तो एक कारण रहा। दूसरा कारण है, हम लोग जब शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से कष्ट पाते हैं इसको कहा जाता है हमारे प्रारब्ध का खंडन। हम जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा फल होता है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद उनकी संग ऑफ द सन्यासिन गीति में कहते हैं, हु सोज मस्ट रीप द से एंड कॉज मस्ट ब्रिंग द श्योर इफेक्ट, गुड गुड बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। जैसे बोएगा वैसे उगेगा, जैसे कारण होगा वैसी कार्य होगा। तो यहाँ पर जो बताया, गुड गुड एंड बैड बैड नॉन एस्केप द लॉ, शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बोल। अर्थात जो अच्छा कर्म किए हैं उसे अच्छा फल मिलेगा और मंद कर्म किए हैं मंद फल मिलेगा। ये सब जो कष्टदायी प्राण घाती बीमारी में झेलना पड़ेगा। अभी हमारे जो दुख है वो तीन प्रकार का है, एक आदि दैविक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आध्यात्मिक। आदि दैविक अर्थात जो दैविक से दिया गया है, नेचुरल डिजास्टर कुछ हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, बहुत गर्मी है, बहुत शीत है, नाना प्रकार का प्राकृतिक दुर्योग, यह है आदि दैविक। और आदि भौतिक है अन्य भूतों से, अन्य प्राणियों से जब हम कष्ट मिलता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, जो कि नाना रकम समस्या, तो उसको आदि भौतिक कहलाता है। और आध्यात्मिक है शरीरगत, हमारे शरीर का बीमारियों में
हम जो झेलते रहते हैं वो है आध्यात्मिक दुख। हमला चल रहा था आध्यात्मिक दुख को कैसे मुकाबला करें, तो ऐसे कहा गया था कि जो शरीर का जो कष्ट होगा, शरीर कष्ट इसीलिए हमें मानना पड़ेगा, ये हमारा प्रारब्ध का अनुसार ही हुआ है। जैसे हम कहा जाता है जमन कर्म तवन फल, अगर जैसे कर्म किया है उसी की इफेक्ट मिल रहा है। तो ये प्रश्न है कि श्री राम कृष्ण तो कभी अन्याय काम नहीं किया, साधारण व्यक्ति के लिए तो हो सकता है, लेकिन श्री राम कृष्ण भगवान का अवतार पवित्रता स्वरूप, उनको क्यों इतना झेलना पड़ रहा है? व्हाई डज इट हैव टू सफर? तो कोई किसी के तो अन्याय नहीं किया। इसको उत्तर कहा जाता है, ठाकुर स्वयं ही बोले हैं, गिरीशेर पापे आमारी व्याधि, देयर मस्ट बी सम कल्प्रिट समवेयर, कुछ कॉज बनी तो ये इफेक्ट नहीं होगा। तो गिरीश चंद्र घोष जो उनके जो अंतरंग भक्त है, तो ठाकुर ने बताया तेरा जितना पाप है मुझे अर्पण करो, गिरीश में वहाँ आनंद सहकार अर्पण कर दिया साथ साथ। ठाकुर कहते हैं वो पाप से मेरा ये व्याधि है। जो गिरीश घोष तो पाप मुक्त हो गए, संतों का जिससे बन गया, लेकिन उनकी सारे पाप राशि ठाकुर को ग्रहण करना पड़ा। उसे माना जाता है ठाकुर कई अभिनव पीड़ा उत्पन्न हो गया था। श्री माँ शारदा देवी भी कहा करते थे कि मैं तो बचपन से कभी भी किसी को अनिष्ट नहीं किया, तब भी मुझे इतना झेल क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? इसको उत्तर सीमा शरदी स्वयं दिया है, शायद कभी शिव जी का बिलपत्र चढ़ाने के समय कुछ अजाने कोई कंकट चला गया, बिलपत्र कोनो कांटा चले गया, श्री कांटा है हमारी दुख हो। माँ की इमेजिनेशन है, शायद जरूर हमारा कोई अपकर्म किया हुआ, जैसे कर्म होगा वैसे फल उठेगा। लेकिन ये जो उनका जो हमारा समाधान दे रहे हैं कि कर्म अनुसार फल हुआ, लेकिन ये तो भगवान के क्षेत्र में प्रयोज्य नहीं है। भले ही भगवान सबको उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन उसका जो समष्टि जो पाप राशि वो ग्रहण करने के लिए ये अवस्था हुआ है। ये द्वितीय कंजेक्चर है कि जिसे ठाकुर के बारे में कहा जाता है स्तंभ में है, सर्व जीव पाश पाप नाश कारणम भवेश्वरम स्वीकृतंच गर्ववास। जो अभी सबको पाप हरण करने के लिए आप धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, एवं जो गर्ववास को कष्ट आप स्वीकार करके, या पितम से लीलया च जीन दिव्य जीवनम तम नमामि देव देव राम कृष्ण मिश्रम। तो गर्ववास स्वीकृत करके ये देह धारण किए हैं, सर्व जीव पाप नाश कारणम परमेश्वरम स्वीकृतंच गर्ववास देह धानम ईदृशम। ईदृशम देह धारण किया है, या पितम से लीलया च देन चेन दिव्य जीवनम तम नमामि देव देव रामकृष्ण मिश्रण, अर्थात भगवान श्री राम कृष्ण सबको पाप हरण करने के लिए देह धारण किए हैं, इसलिए वो समष्टिगत जो इफेक्ट हुआ है, पाप का इफेक्ट हुआ है, वो गले में रिफ्लेक्टेड हुआ है। सबके लिए जो भोग अपने शरीर में ग्रहण करते हुए सबको मुक्त कर दिया। नीलकंठ जिसे कहलाता है शिव जी, नीलकंठ इसलिए है जब समुद्र मंथन हुआ था पहले हलाहल निकाला, हलाहल इतना जहरीला है जो धारण करेगा वो जल के खाक हो जाएगा, तो सारा वो हेल्टर स्केल्टर पड़ गया, दुनिया एकदम जो तत्काल विनष्ट हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, इतना कड़ा हलाहल है। शिव जी उसको शांत ढंग से और
ग्रहण करके गले में रख दिया। क्यों? क्योंकि गले के भीतर जाने से शिव जी को भी नष्ट कर देगा, इतना भयानक हलाहल है। तो गले के नीचे रख दिया सबकी कल्याण के लिए, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो ये जो प्रारब्ध कर्म का ये बात चल रहा है, ये ठाकुर के लिए प्रयोज्य नहीं होगा। औरों को उद्धार करने के लिए आपने शरीर में उनका पाप राशि ग्रहण कर लिया, करके उनको मुक्त कर दिया। अभी मुश्किल क्या है, जब जो संत है, जो ईश्वर है, वो इतने स्पर्श कातर है, दे बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव, जीव का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। इनको ब्लॉटिंग पेपर कहलाता है, जहाँ भी कुछ असुविधा है वो जाके उसके शोक उनका दुख हरण कर लेता है, चूस लेता है, और आपने स्वयं वो जलते रहते हैं। दे देमसेल्फ सफर बाय एक्सेप्टिंग सिंस फ्रॉम अदर्स। इसलिए ठाकुर जी का जो अंतिम जो शरीर के गल रोग हुआ था कलकत्ता में, तो उसको दर्शन नदी बंद कर दिया, क्योंकि दर्शन मात्र न जो स्पर्श करेगा उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, और ये उनका जो भाव राशि कर्म राशि आपने ग्रहण कर लिया, यही है। तो यहाँ पर जो ठाकुर का जो उधर बीमारी हुआ है, यह है इस कारण कि सबका दुख अपने शरीर में वो अपने आप ले लिया। इज अट्रैक्टेड ऑल दिस मिसडीड्स फ्रॉम यरमठ पीपल, एंड नाउ वो अपने शरीर में ग्रहण करके उनको फ्री कर दिया। यह है उनके जो बीमारी का द्वितीय कारण, जो समष्टि का जो बंद कर्म है उसको अपने जीवन में लेके उनको मुक्त कर दिया। इसका और भी कारण है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।